कोई विकास जी यादव से पूछो कि 40 दिन वर्किंग डे जो जनवरी महीने में शेड्यूल केस के उपरांत कहे गए थे, उस संदर्भ में क्या हुआ? 2 दिन, 4 दिन, फिर 40 दिन, और वह 40 दिन जनवरी महीने से लेकर अब तक पूरे नहीं हुए। कोई उनसे पूछे कि क्यों गुमराह किया जा रहा था, निवेशकों का हक है सवाल पूछना। एक्चुअली एसएम के बारे में क्या बोले थे, मेरे को पर्टिकुलर बताओ। तो एसएम बस अभी एसएम तो खलास हो चुका है ना? तो सर आपको कैसे मालूम चला कि एफएम मतलब खलास कब हुई? हम लोग 3 महीने पहले मालूम पड़ गया था। हम लोगों ने 3-4 महीने पहले बिजनेस ड्रॉप कर दिया था, मतलब हम लोगों ने उसके बाद बिजनेस बंद कर दिया था डालना। मतलब ये जो कंपनी के ऊपर केस चले उसके पहले? तो क्या, अच्छा तो काफी दिन से चल रहा है ना। तो आप मेरे को एक बात बताओ क्लियर, कि जो राधे श्याम के ऊपर होप किए हैं लोग, भगवान मानते हैं, तो मतलब किस तरह के इंसान है, आदमी किस तरह के हैं? आप बोल रहे हो कि आप उनके बहुत क्लोज हो। इंसान तो देखो, पता क्या है मेघा जी, इंसान हर एक बंदा अच्छा होता है और अच्छा ही करना चाहता होता है, लेकिन ना कुछ हर एक चीज की एक लिमिट होती है, अच्छाई की भी लिमिट होती है, बुराई की भी लिमिट होती है। अच्छा है ना, उन्होंने जितना अच्छा करना था, जितना अच्छा करना चाहते थे उतना उन्होंने अच्छा कर लिया, बस इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते थे, बस खत्म हो गया। नहीं आप जो बोले सही है, पर ये स्कैम था क्या? हाँ ये लास्ट एंडिंग में वो कोर कमेटी या प्लानिंग में चेंजेस करना सब कुछ, मतलब सब कुछ प्री प्लानिंग होता है। देखो ये सब कुछ प्री प्लानिंग होता है। लास्ट एंड में क्या था कि उनके पास उनको थोड़ा सा बड़ा रकम लेकर के फिनिश करना था। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा सा जो सिस्टमेटिकली जो लॉस हुए वो नहीं होना चाहिए था, और ये तो पक्का कंफर्म था ना कि राधे श्याम जी एक दफे जेल जाएंगे और उसके बाद वो 90 डेज और मैक्सिमम 6 मंथ के बाद वो वापिस आ जाएंगे, ये तो कंफर्म ही था। मतलब उनका खुद का रचाया हुआ ये सब था? तो मैक्सिमम तो इतना ही होता ना, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब खुद का रचाया नहीं होता, लेकिन हाँ उनके रिजल्ट रिजल्ट बताते हैं। एक एक बंदा सालों भर अपने आप को जेल में क्यों रखेगा? सालों भर मतलब अभी तो साल भर से ऊपर हो चुका, राधे श्याम जी जेल में है, तो वो अपने आप को जेल में क्यों रखेगा? अच्छा मेघा जी आप मेरे को एक बात बताओ। हाँ जी। आप जेल को क्या समझते हो, मतलब जेल को क्या ऐसी समझते हो चीज की, जेल ऐसी क्या चीज है? मुझे नहीं मालूम जेल क्या है, पर मुझे कोई भी अच्छा बंदा जेल में रहना नहीं चाहेगा, एक दिन के लिए भी नहीं। एक दिन के लिए भी नहीं ना? नहीं। लेकिन आपको अगर उसके साइड इफेक्ट और उसकी बेनिफिट्स के बारे में मालूम हो जाए तो आपको क्या लगता है कि फिर भी वो रहना चाहेगा कि नहीं रहना चाहेगा? हाँ नहीं, हाँ अगर बेनिफिट होता है, सब कुछ वहाँ अवेलेबल होता है, उसको घर की तरह ट्रीट कर, सब कुछ आप बोलते हैं सब कुछ, अरे घर से अच्छी फैसिलिटी मिलने मिलती है वहाँ पर। ओके। जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जो हाई प्रोफाइल क्या यार, आजकल बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। अच्छा तो आपने 50 लाख रुपए कमा लिए? नहीं बिल्कुल, मतलब आप इन्वेस्टर थे या क्या थे? मैं इन्वेस्टर भी था और प्रमोटर भी था। मेरा जो वर्क था हाँ। वो क्या था कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे फ्यूचर हाँ। मेकर पे ट्रस्ट करते थे हाँ। ठीक है, और मेरा काम ऐसा मतलब कि मैंने आपने अपना नाम क्या बोला आपने? रविकांत। हाँ तो मैंने कभी पहले आपका नाम सुना नहीं, इतना इतना सालों से एफएम में मेरी मतलब हर दिन बहुत कुछ चीजें नया जानने को मिलता, पर रविकांत नाम कहीं सुना नहीं। आपने तो रणवीर जी का भी नाम नहीं सुना? नहीं, रणवीर सिंह और रणवीर कपूर के अलावा मैं एफएम में रणवीर का नाम नहीं सुना। हाँ आपने रणवीर जी का नाम भी नहीं सुना होगा, सतवीर जी शेरोन का नाम नहीं सुना होगा? नहीं। आपने सुंदर सैनी जी का नाम सुना था? हाँ सुना है। हाँ सुंदर सैनी का नाम अगर सुना है ना आपने, तो सतवीर जी शेरोन का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सतवीर जी शेरोन
फ्यूचर मेकर की फर्स्ट आईडी थी, ही इज द राष्ट्रपति, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस फ्यूचर मेकर, मतलब राष्ट्रपति जैसे बोलते हैं ना कि। सतवीर जी का सुना कि वैसे ये कंपनी में केस किसने की, क्यों की? केस वेस कुछ नहीं था एक्चुअली, जो भीमाना का जो केस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो इनके ऊपर केस बैठा था वो एक्चुअल में छोटी मोटी रकम को लेकर के इन्होंने बिठाया था, वो सॉर्ट आउट करवा करके इन्होंने, है ना, तो वहां से तो ये जो मतलब कि डिस्प्यूट बढ़ता रहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी, इन्वेस्टिगेशन तक तो बात ही नहीं गई ना। अच्छा, ये हैदराबाद में कुछ हुआ था ना? बिल्कुल, वही तो बात है ना, अगर देखो अगर उसके ऊपर केस होता तो तेलंगाना में, बिल्कुल अगर उनका केस अगर उनसे होता वो तो तेलंगाना में होता, अगर उनके ऊपर केस होता या फिर उनके ऊपर प्रोफाइल फिट होती तो कहाँ पर होनी चाहिए थी, लॉजिकली बात किया जाए तो कहाँ पर होनी चाहिए थी? हिसार में होना चाहिए था ना। हाँ। केस कहाँ पे, मेन प्रोफाइल कहाँ से बननी चाहिए थी, दूसरा की बननी चाहिए थी। हाँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने बंदे उठने चाहिए थे जितने भी थे इनके पास? तो खाली राधे श्याम जी को और क्या नाम है सुंदर सैनी जी को ही डिस्टर्ब क्यों किया गया, बाकी सब? अच्छा, अभी क्या थे और एक जो क्या नाम था क्या सुरेश सिंह सोनगरा और एक जो था MD बंसीलाल, ये अभी चारों जेल में ही है ना? किसने बोला? अभी हाल फिलहाल में न्यूज आया था कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर करा। नहीं बाबा, वो लोगों का, उन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कराया लेकिन वो जेल में थोड़ा ना है। बंसीलाल जी जेल जाएंगे नहीं क्योंकि वो जेल, उनका जेल का कोई फंडा ही नहीं है, ही इज द एमडी ऑफ सिस्टम, वो कभी फ्रंट के आगे किसी के सामने बोलते नहीं थे, थोड़ा सा बोलते थे चले जाते थे। अच्छा, लेकिन सुंदर सैनी और जो राधे श्याम जी प्लानर, ये अभी अभी जिन जिन्होंने पैसा डाला है बैंक में जाके NEFT RTGS जिन्होंने भी किया है उनके पास तो प्रूफ है ना? उसका कुछ भी नहीं बन सकता बाबा। अभी हम कंपनी में पैसा लगाए हैं तो कैसे कुछ नहीं बनेगा, अगर मतलब लीगली जाएंगे कुछ भी बनेगा, हर स्टेट में हर हर जगह पे कंप्लेन होगा किसी के नाम पे 420 या कुछ भी मनी रोटेशन जो भी, फिर क्या करेगा? देखो पता क्या होता, गवर्नमेंट जो होता है, जो जज या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट के केस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने आपसे ही पूछना है कि आपने ये सब चीजें क्यों की, क्या रीजन रहा आपका कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, या अब उनके पास एक लीगल थिंग थी कि आपको इतने पैसे के बदले में इतना प्रोडक्ट दे दिया उन्होंने। और जब आपको उतने पैसे के बदले में प्रोडक्ट दे दिया, उसके एक्स्ट्रा जो दिया आपको वो उन्होंने अपनी ग्रोथ में से देना था। अच्छा, ठीक है, अपनी ग्रोथ में से देना था, वो लोग तो साफ कर चुके थे ना कि हमारी ग्रोथ, हमारे से ग्रोथ हो ही नहीं रही तो हम क्या करें, कहाँ से दें, वो तो राधे श्याम जी ने फिनिश कर दिया ना मैटर। ओके, ये बात है, वो हाँ, तो राधे श्याम जी ने फिनिश कर दिया मैटर, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास ग्रोथ का कोई फंडा ही नहीं है, मेरे पास ग्रोथ हो ही नहीं रही तो मैं कहाँ से दूटा था, आप मेरे को उठा के अंदर डाल दो, अगर आपको लगता है कि मेरा कंपनी का सिस्टम जो है आप अपने हैंड ओवर कर लो और वहां से आप ग्रोथ कर सकते हो तो लोगों को दे दो। वो था, अभी कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि राधे श्याम आएगा तो पैसा क्या बोलते हैं वो मूलधन सबको रिटर्न करेगा, ये वो जो भी अभी भी मतलब थोक के बोल रहे हैं कि वो पैसे रिटर्न करेगा, आएगा और रिटर्न करेगा। देखो मैं बताता हूँ मेघा जी, पता क्या बात है, अगर आप नॉर्मली मेरे क्लाइंट होते, यानी कि अगर मेरे डाउनलाइन में होते हाँ। तो मेरा स्टोरी आपके लिए पता क्या होता, बेफिक्र हो जाओ, राधे श्याम के साथ मेरी परसों ही बात हुई है। क्या बात है? मैं आपको यही बोलने वाला था कि उनके जो मेन बंदे हैं उनके साथ मेरी परसों ही बात हुई है। हम लोग राधे श्याम बात करते हैं लोगों से तो क्या नहीं कर सकते? नहीं सर, मैं वही सोच रही हूँ कि साल हो गए हैं राधे श्याम कभी बाहर आके कोई कुछ किसी का भी ना वीडियो आया ना ऑडियो आया। वो अभी फ्रंट में नहीं आएंगे ना, तो वो फ्रंट में आएंगे ना ही कुछ। मैंने आपको क्या बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों का क्या, हर लीडर का एक स्टोरी होता है, उन्होंने स्टोरी बना करके ही रिप्रेजेंट करना है, पैसा कमाना और उसके बाद पैसे को होल्ड करने का स्टोरी होता है। अच्छा, अब हम आपको सिंपल सी बात पूछता हूँ मेघा जी, मैंने आपने क्या किया, मेरे से 5 लाख रुपए ले लिए। ओके, ठीक है, अब आप
आपके पास 5 लाख रुपए देने के लिए है नहीं, मजबूरी में आपने कहीं खर्च कर दिए। एक एग्जांपल ये दूंगा। दूसरा ये कि आपको 5 लाख रुपए अपने पास ही रखने हैं, आपको मेरे को देने नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 50 लाख रुपए है। आपको पता है कि उसको 5 लाख की क्या जरूरत है, तो ठीक जाता है, मेरे पास पड़े हैं तो मेरी जरूरत क्या है, तो मैं काम में ले लूंगी, तो किसका क्या पता जाता है। ये आपके माइंड में घुस गया, ठीक है। अभी आपसे मैं पैसे मांगने आता हूँ तो आप मेरे को पैसे दोगे या मेरे को गोली दोगे? गोली क्यों क्यों आप मुझे पैसे दो ना यार। नहीं, मैं अगर उस जगह में होती तो पैसे ही देती, क्योंकि मैंने लिए हैं तो दूंगी। अरे बाबा, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 50 लाख रुपए है और आपको पता है कि इसके और 50 लाख रुपए इसको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको कहीं को दूँ? हाँ, मेरे पास पड़े हैं तो मेरे को जरूरत है, मैं इस्तेमाल कर लेते, और आपको नीड भी है, बहुत जरूरत पड़ी हुई है आपको, आपने पैसे खर्च किए हैं कहीं पे, लेकिन आप उसे वापस लेना चाहो तो ले भी सकते हो, आज ही ले सकते हो, लेकिन आपका मन करेगा लेने को? नहीं। हाँ, राइट। आपके पास कोई प्लॉट पड़ा है, आप बेच के मुझे पैसे दे दोगे? मतलब आपका वही जरूरत है, मतलब वही आपका एक प्लॉट है और उसी के ऊपर ही आपको लगता है कि आने वाला फ्यूचर आप सेट करने वाले, तो आप वो बेच के मुझे पैसे दे दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं दोगे ना, तो सेम लाइक दैट, बस यही फंडा रहता है हर एक बंदे के माइंड में। तो मतलब आप बोल रहे चाहते हो कि ये सब कुछ प्री प्लान था? नहीं, इसको प्री प्लान नहीं बोल सकते हम लोग, इसको ये बोला जा सकता है कि अचानक क्या हुआ कि ग्रोथ आना बंद हो गया, मतलब ग्रोथ आ रहा था लेकिन उस लेवल का ग्रोथ आना चाहिए था जिस लेवल का होना चाहिए था, लेकिन पैसा बटने वाली जगह जो थी वो ज्यादा, यानी कि जो जाने वाला पैसा था वो ज्यादा था और आने वाला पैसा कम था, क्योंकि 2500 रुपया जो है वो एकदम से। सर, एंडिंग में मतलब जब कंपनी बंद होने से दो महीने तीन महीने पहले कंपनी को बहुत करोड़ रुपए गए, हर दिन करोड़ रुपए जाते थे, राइट? तो यही तो ड्रॉबैक था कंपनी का। क्या था? यही तो ड्रॉबैक होता है कंपनी का, यही तो पैसा सेव करने वाला सिस्टम होता है, कोई भी कंपनी ले लो। अच्छा, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि, मेरा कहने का मतलब है कि एंडिंग में जिन जिन्होंने डाला था, मैं सोचती हूँ कि उन लोगों का पैसा को राधे श्याम को लौटाना चाहिए था जो 3 महीने में इन मतलब कंपनी में ज्वाइन हुए थे, उन लोगों का तो पूरा लॉस हो गया ना। अभी मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाँ। आपको पता है कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है वो दो चीजों पर टिकी होती है, एक इन्वेस्टर और एक लीडर। जी। इन्वेस्टर जो होता है अपना पैसा लगाता है और उसी के ऊपर लगा करके बैठा रहता है, और एक वर्कर होता है वो भागता दौड़ता काम करता है। ओके। अब ये रेशियो कितनी होती है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी जब 70-30 की रेशियो पे आ जाती है, 70-30 का मतलब है 30% नेटवर्कर होते हैं और 70% इन्वेस्टर होते हैं। जैसे ही वो इन्वेस्टर 80% चले जाते हैं और नेटवर्कर सिर्फ 20% रह जाते हैं, तो हिंदुस्तान की क्या वर्ल्ड की कोई भी कंपनी है वो खलास होनी होती है। अच्छा, ठीक है। अब देखो, तो इसमें फ्यूचर मेकर में ऐसा ही हुआ, क्यों? पहले प्लान बिका। स्टार्टिंग में कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसे थोड़ा ना होता है। 7500 दिया, उसके बाद प्रोडक्ट भी दे दिया, उसके बाद आपने 2 डायरेक्ट किए तो आपको 1500 रुपया पर मंथ आएगा, वो भी 24 महीने तक। अच्छा, ऐसे कोई कंपनी नहीं दे सकती, 22500 लगाओ और आपको 36000 रुपया आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? हर एक बंदे को ये लगता था, ठीक है। फिर लेकिन जब कंपनी ने देना देना स्टार्ट किया, जब उसने राधे श्याम ने कर्जे उठा करके, इधर उधर से कर्जा उठा करके लोगों को बांटते रहा, मार्केट के अंदर एक बूम आ गया। हाँ, सही में। ऐसा बूम जो जुनून से कम था, जल्जला आ गया समझ लो पैसे का। मतलब हर महीने के एक ही डेट में पूरा परफेक्ट पैसा आ जाता था अकाउंट में बाय टाइम। हाँ, वो तो NEFT सिस्टम था ना। हाँ, तो NEFT सिस्टम में आपको क्या है, आप 1000 क्या 10000 लोगों को भी पेमेंट एक ही इंस्टेंट एक क्लिक पे भेज सकते हो। तो सर उसको नहीं बंद करना था, उसको चलानी चाहिए थी और 1-2 साल या और 5 साल। अगर कंपनी अच्छी चल रही थी, रेपुटेशन था, कंपनी का नाम बन चुका था, तो उसको कंपटीशन करना चाहिए था। अरे कंपटीशन की बात थोड़ा ना होती है, आप ये मान के चलो कि हर एक बंदे का टारगेट होता है, हर एक बंदे की एक भूख होती है। आपने किसी बंदे को आप रोटी खिला रहे हो, उसको भूख लगी है, ठीक है, बहुत बेशुमार भूख लगी है, आपने उसके अंदर 36 तरह के पकवान रख दिए, अब उसकी जितनी भूख होगी बेचारा उतना ही खाएगा ना।
तो राधे श्याम आपके हिसाब से, आपके हिसाब से आपने बहुत मेहनत की, आपके हिसाब से आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया, आपके हिसाब से बहुत कुछ परोस रखा आपने। बंदे की कैपेसिटी होती है, भूख होती है, मेरी इतनी भूख है मैं इतना ही खा पाऊंगा ना। तो वो खाना लाया गया, वो खाने के लिए आया था बताओ, वो कंपनी के लिए आई थी। मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या CMD होगा वो क्या करने के लिए आता है? पैसा कमाने के लिए आता है ना। हाँ तो ओके, अभी सलमान खान को अभी दूसरी तरफ लेके जाते हैं, सलमान खान को लेको, एक की मतलब की साल में एक या दो फिल्में निकालता है, तीन निकालता है मैक्सिमम। क्या उसको एक्टिंग कम करना आता है, या फिर उसको डेली में एक्टिंग करने का शौक नहीं है, या फिर उसको सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन एक्टिंग आता है बाकी दिन वो नॉर्मल रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो वो चाहे तो एक साल के अंदर 10 फिल्में भी निकाल सकता है। तो अगर एक फिल्म से उसको 500 करोड़ का बेनिफिट होता है तो 10 फिल्म का इंटू कर लो उसको। हाँ। लेकिन उसको पता है यार मैंने एक ही फिल्म निकाल के उतना ही फेमस हो जाना है, काहे को मैं इतना मगजमारी करूँ। अच्छा तो मैं सीधी सीधी आपकी बात, उसको उसको, उसको 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 पता है कि मैं इतनी फिल्में क्यों लॉन्च करूं यार, पागल थोड़ा मैं सारा दिन फिल्मों में लगा रहा हूं। मेरे तो जो फैन है वो मुझे उतना ही पसंद करेंगे, चाहे मैं एक फिल्म निकाल करके उसके अंदर विलन का रोल करूंगा तो भी वो मुझे इतना ही पसंद करेंगे, चाहे मैं एक मूवी निकाल करके उसके अंदर हीरो का रोल करूं तो भी मुझे इतना ही पसंद करेंगे, राइट? एकदम एब्सोल्युटली राइट। तो हाँ, तो वो सुपरस्टार था, सुपरस्टार उसने बनना था, वो बन गया, उसके बाद उसकी इच्छाएं थी वो उसने कर ली। अभी उसका आउट ऑफ कंट्री के अंदर, बोले तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर इतना बड़ा बिजनेस पड़ा, इतना बड़ा पैसा पड़ा कि वो वर्ल्ड की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जुड़ के बहुत अच्छा पैसा, पैसा कमाने की जरूरत नहीं है उसको, 7 जन्मों की पीढ़ियां उसकी खाएंगी आराम से तो भी पैसा नहीं खत्म होगा, जलाएंगी पैसा तो भी खत्म नहीं होगा। जी तो 12,000 करोड़ रुपए कम होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो 12,000 करोड़ रुपए खत्म करने के लिए कितना कितने लोगों की जरूरत है? अपने पूरे हिंदुस्तान में 150 करोड़ की जनता है, ठीक है? अगर काउंटिंग की बात करें, एक्स्ट्रा लगाएं तो 200 करोड़ की हो जाएगी टोटल। इधर उधर के भागे भूगे ये वो टेररिस्ट जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ, जिनका बनने वाला है, जो बच्चे लोग हैं, जो धरती पे हैं, जो आने वाले हैं, उन सबको मिलाएंगे तो टोटल 300 करोड़ जनता होगी, राइट? 1200 करोड़ उसके पास है, अगर उसमें से 300 करोड़ यानी कि 1 करोड़ सभी के पॉकेट में डाल देता, अकाउंट में भी डाल देता, तो भी वो मतलब हिंदुस्तान का सबसे नंबर वन और सबसे चहेता बंदा बन सकता है, राइट? करेक्ट। लेकिन ऐसा लॉजिक वो कभी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि मेरी भूख जो थी मेरी मिट गई, अब उसको दिमाग देने वाला कौन जाए? कोई नहीं जाएगा। सही है। अगर 1200 करोड़ उसके पास है, अगर वो 300 करोड़ किसी को दे भी देगा, पूरी धरती पे जितने हमारे जो इंडिया के अंदर लोग हैं, मैंने उनकी बात की है, 150 करोड़ की जनता है जिनके लीगल आधार कार्ड बने हुए हैं, और जो अनलीगल रह रहे हैं उनको मिलाकर के मैं टोटली दोगुने कर दिए, 300 करोड़ कर दिए। तो 1200 करोड़ में से अगर 300 करोड़ कम कर देंगे तो कितना कितना का घाटा चला जाएगा उसको? 300 का घाटा जाएगा। हाँ, तो बाकी तो उसके पास ही रहेंगे ना। हाँ। लेकिन ऐसा करना चाहे वो कर सकता है ना। एकदम एकदम। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्यों करने क्योंकि वो हमारे क्योंकि हमारे जैसे नहीं सोच सकता ना, वो हमारे से कई हाई प्रोफाइल उसकी थिंकिंग है, और वो हाई प्रोफाइल थिंकिंग के साथ ही उसने इतना सब कुछ कर लिया, इसलिए वो 1200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके निकल गया। अब उसके पास सिर दर्दी लेने के लिए टाइम नहीं है। तो रविकांत जी, मतलब मैं अभी तक मेरे दिमाग में ये था कि आज नहीं तो कल, हालांकि 90% चांस नहीं था, फिर भी 10% होप था कि राधे श्याम आएगा और पैसा कम से कम लोगों का, अगर 5 लाख किसी ने दिया है उसको 3 लाख तक तो वापस करेगा, उसको मारेगा नहीं। और आपके मतलब कहे अनुसार तो सोचा जाए तो दिमाग घूम गई है मेरी। मैं एक्चुअली बता क्या बात है मेघा जी, आप बड़े ट्रस्ट वाले हो, और आपने जिस तरीके से मेरे से बात की ना, यानी कि जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन टाइप था ना। हाँ। उसके बाद जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट मेरे सामने कर रहे थे, इससे आपने अपने आप को बुरा ही रिप्रेजेंट किया मुझे, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं ना आपकी दुख और आपकी परेशानियां छिपी हुई थी, आपका कहीं ना कहीं माइंड के अंदर क्लिकिंग छिपी हुई थी। वो क्लिकिंग मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने इसलिए बोला आपको कि आपको मैं प्लान टू कुछ नहीं बचने वाला हूँ, मुझे बस वो चीज शायद मेरी कुछ बातों से आपको वो संतुष्टि मिलने वाली, तो आई होप कि वो संतुष्टि आपको मिल चुकी होगी। और दूसरी बात, अगर आप मेरे डाउनलाइन में होते हैं,
तो यही जो 5-10 मिनट की स्पीच थी ना, ये मैं आपको ऐसी देता कि आपका जो 90% आपको बिलीव था ना, यही आपको 50% बिलीव होने वाला था कि पैसा आने वाला है, राधे श्याम बाहर आएगा और आपके सबसे पहले चेक आपके घंटे भी नहीं आएगा। नहीं समझे मेरी बात अभी भी लोग मतलब ये उल्लू क्या बोलते हैं उसको, उल्लू बना रहे हैं। अरे बाबा नहीं, इसको उल्लू नहीं बोलते हैं। देखो मेघा जी पता क्या होता है, इसको बोलते हैं एक कम्युनिकेशन, मतलब ये स्टोरी होती है। अच्छा, तो वो जो स्टोरी बोलने वाला है और जो बुलवा बुलवा रहा है वो स्टोरी, उसको कुछ वो नहीं बुलवा रहा। अरे यार बाबा वो नहीं बुलवा रहा, सच तो यही है जो मैंने बोला आपको, सच यही है। आभूषण नहीं बुलवा रहा है, ये लोग अपने आप से बुलवा रहे हैं। यार उसको क्या जरूरत है बोलने की, वो क्या क्यों क्यों बोलेगा किसी को कि ऐसे करके बोलो, वो थोड़ा ना बताएगा कि अब नहीं आने वाला हूँ मैं। हाँ सही है, अगर वो बोलने वाला होता तो सामने आके बोलता। अरे यार मेरी बात सुनो, एक बात एकदम करेक्ट। उसको कहीं कोई, उसके लिए उसका इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उसको पता है। अब उसको पता क्यों है, अब वो सुन लो बात। देखो मैं उसके पीछे कारण बता देता हूँ आपको। कोई भी पेपर, कोई भी पेन, हम लोग दो दिन पहले बात हुआ किसका, राधे श्याम से? नहीं 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 हमारा कोई बात नहीं हुआ। अच्छा मैं एक बात बोल रहा था, मतलब अगर मेरे डाउनलाइन होते आप तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, आप अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि 2 दिन पहले मेरी राधे श्याम से बात हुई है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर आप मेरी डाउनलाइन होते तो मैं आपको ये बताने वाला था कि 4 दिन पहले तो हमारा राधे श्याम से बात हुआ है। डोंट वरी, आप लोग का पैसा आने वाला है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। ओहो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी 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 हाँ, क्या राधे श्याम को क्या जरूरत पड़ी है यार, 1200 करोड़ का मालिक है, उसको क्या जरूरत पड़ी है ऐसे नॉर्मल लोगों के साथ बात करने के लिए। पर वो 1200 करोड़ उसके नहीं थे। अरे बाबा उसी के थे, आपने इकट्ठे करके उसको देने थे। हाँ जरूरी था। बोलो उसके नहीं थे, उसने एक स्टोरी बनाई। अरे मैं एक बात बोलता हूँ, प्रभास के थे क्या 1200 1200, अरे तो 12000 है ना। प्रभास के बारे में जानते हो आप? हाँ बाहुबली। कौन है वो? बाहुबली। 1200 करोड़ इसकी पॉकेट में हम लोगों ने डाला, उसका था क्या? नहीं। हाँ पर हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कंफ्यूज हो रही हूँ, नहीं। उसका नहीं था ना, हम लोग धक्के से देखे आए। उसने कभी मांगा हमसे? नहीं। कभी आके बोला कि मुझे दे दो पैसा भाई, आप लोग अपनी पॉकेट से निकाल के? नहीं। तो ऐसे ही होता है एक्चुअली में, क्या होता है हर स्टोरी का एक वैल्यू होता है, उसका एक रकम होता है, ठीक है। एमएलएम में हर वो स्टोरी बिकती है जो बॉलीवुड में हॉलीवुड में नहीं बिकती, समझ रहे हो आप? ओके। तो अभी आप प्लान को बुरा कहते हो, प्लान को अच्छा कहते हो, ये सब वो बिल्कुल आपकी बात सही है। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपने डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा प्लान आपको चूज करना है, उसके पीछे की स्टोरी, बंदा किस लेवल की स्टोरी बना करके मार्केट के अंदर आया है। आपको अगर डिसाइड करना है कि ये प्लान कितने टाइम तक चलने वाला है, इस प्लान से कितना पैसा आप निकालने वाला हो, तो कुछ नहीं देखने का, खाली एनडी के साथ एक बार बात करने का, उसकी स्टोरी, वे ऑफ स्टोरी, वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप काम करोगे ना, उसकी स्टोरी से पता लग जाएगा कि वो कितनी बड़ी गेम घुमा करके मार्केट से निकलने वाला है। और उसका बेनिफिट हमें क्या आने वाला है, देखो अगर कोई बंदा 100 करोड़ का माइंड के अंदर थिंकिंग लेके आता है, हम कहां पर बैठे हैं, हम मतलब लीडर, लीडर मतलब फिल्टर, फिल्टर मतलब हमसे पैसा होकर के ही आगे जाएगा, ठीक है, हमसे पैसा आगे होकर के जाएगा, इसका मतलब हम फिल्टर हैं, फिल्टर का मतलब सीधा सीधा 10 से लेके 20%। अगर उसकी पॉकेट में 100 करोड़ जाने वाला है तो उसमें हमारा बिजनेस कितना था, अगर हमारा 10 करोड़ का बिजनेस था तो उसका 20% अभी से निकाल के पेपर पे नोट डाउन कर लो, वो आपका है। अब वो 10 करोड़ का 20% आपका हो गया। अब आपने उस 20 जो आपका 20% आपका हुआ, यानी कि 20 लाख जो आपका हुआ है, उसका आपने ऐसा क्या करना है कि वो 20 का 20 लाख आपके पास रहेगा। एनडी ने ऐसा क्या करना है कि उस 100 करोड़ जो उसने कमाया है उसको कैसे बचा के रखना है, समझ रहे हो? ये बात होती है सर। एक और क्वेश्चन है,
मान के चलिए मैंने मतलब जिस जिस जिसको क्या बोलते प्रोडक्ट नहीं मिला, मान के अच्छा चलिए एक जन एक बंदा ने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, उसको सिंगल 1% भी प्रोडक्ट नहीं मिला, फिर वो क्या करेगा? ना प्रोडक्ट मिला और पैसे भी गए, तो वो क्या वो करेगा? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन देखी, क्यों? देखा, कभी पढ़ा नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ना। टर्म्स एंड कंडीशन में इसीलिए इतने लंबे चौड़े टर्म एंड कंडीशन रहते हैं हर चीज में, छोटे छोटे अक्षर में, कि कोई पढ़े ही ना। चलो आपको मैं एक और बात बताता हूँ। नेहा जी, आप बड़े अच्छे हो, बड़े प्यारे हो, और आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। अच्छा क्या बोल रहा था ना, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन में पता क्या लिखा हुआ था? नहीं 15 दिन में अगर आप प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हो तो प्रोडक्ट आपका, ओके, नहीं तो हमने आपके नाम का डिस्पैच कर दिया, हमने उसका जीएसटी दे दिया, आपको लेना है ले दो, नहीं लेके जाने का तो हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है। अच्छा, तो आपने लिया, जिस दिन 5 लाख दिए थे उसके 15 दिन तक आपने प्रोडक्ट लिया, अगर हाँ, नहीं, ले लिया तो ठीक है, अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया हाँ, तो आप मांग ही नहीं कर सकते। ओके, सेकंड थिंग, जितने भी प्राइवेट बैंक है, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको पहले से पता होगी लेकिन आपने आज तक इग्नोर की होगी। आप कोई भी प्राइवेट बैंक के अंदर पैसा जमा कराने जाते हो ना, हाँ, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है आपने जब पैसे जमा करवाए उसके बाद वो आपके नहीं है। नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा होता है कि आपने पैसे डोनेट कर दिए इस बैंक को, ओके, डोनेट कर दिए, ठीक है? हाँ जी, ओके, बैंक कल को बंद हो जाए, आप कोई लीगल नोटिस नहीं तैयार करवा सकते, बैंक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, बैंक कल को पैसे जमा करके बैठा हुआ है, बाई चांस उसका नुकसान हो जाता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो यानी कि वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग, चाहे उसका नुकसान बाय, मान लो कैश पड़ा है उसके अंदर आग लग गई, वो नुकसान हो गया और आप सोचो कि आपको पैसा मिलेगा तो आप भूल जाओ। ओके, तो इन ये टर्म्स एंड द सेंस की यानी कि मेरा फ्यूचर मेकर का जो दिमाग से है ना, वो थोड़ा हटाना है, क्लियर करना है, तो इन द सेंस की फ्यूचर मेकर स्टॉप, बंद, जिन्होंने जिन्होंने केस किया है उनके ऊपर हाई कोर्ट में, उनका भी कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने केस किया उनका भी कुछ नहीं बनना, और जिन्होंने केस नहीं किया उनका माशाल्लाह कुछ नहीं बन सकता क्योंकि उन्होंने केस किया ही नहीं है। और जिन्होंने केस किया, अब उनका केस का सुन लो, जैसे मान लो किसी का 50 लाख रुपए की है, उन्होंने 50 लाख के अकॉर्डिंग केस किया है, तो पहले उनको 50 लाख का सिस्टमेटिकली पूरा A to Z प्रूफ देते देते नियर अबाउट, ज्यादा नहीं तो मेरे पास से 1.5-2 साल लगने वाले हैं, अच्छा, ठीक है? 1.5-2 साल से भी ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि 1 तारीख पे वो पहुंचेंगे, उस तारीख पे राधे श्याम जी नहीं आएंगे, और जौन सी तारीख पे राधे श्याम जी आएंगे उस तारीख पे वो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि राधे श्याम जब आएंगे तब आएंगे जब उनकी मर्जी होगी। तो आपका कहे अनुसार राधे श्याम बंदा सही नहीं था, अरे ऐसा नहीं होता रे बाबा, किसी को ऐसा हम बुरा ही कैसे है? कहेंगे, हाँ, किसी को हम बुरा कैसे कह सकते हैं? हम लोगों ने अपनी जरूरत के मुताबिक गए थे, वो लोग ऐसे हमें घर से थोड़ा ना आते कहने के लिए कि लगाओ करके। और वैसे भी पता क्या बात है, ये इन्वेस्टर लोगों का सिरदर्दी होता है। अब देखो जब स्टार्टिंग में था ना तो 70% लोग नेटवर्कर थे और सिर्फ 30% लोग नेटवर्कर थे। मैं आपको जो क्लियर बात बताने वाला था वो समझ लो आप, किसको किसी को हम लोग बुरा कहने की बजाय और किसी को अच्छा कहने की बजाय पहले हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखो 70-30 की रेशो रहती है, अब 70% जो नेटवर्कर थे और 30% जो इन्वेस्टर थे, लेकिन ऐसा दौर आया एक साल के बाद 70% इन्वेस्टर हो गए और 30% नेटवर्कर हो गए। अब उस 30 में भी क्या हुआ, 10% वो ही 30 में से निकल के आए, उन लोगों ने अपना इन्वेस्ट कर दिया। एग्जाम्पल, मैंने 20 लाख रुपए कमाए उसमें से 10 लाख फिर कंपनी में, 10 का 20 बनाना चाहता हूँ ना, मैंने 20 कमाया कंपनी से, अब 20 की 20 में से 10 लगा दिया, 20 का 30 तो बनना ही था, मैंने 10 और लगा दिया, 10 का 20 और बना दो, यानी कि मैंने जहां पे मेरा 30 बनना चाहिए था वहां से मैंने कंपनी से 40 से 50 निकाल दिया, तो कंपनी कहाँ से देगी? कंपनी के पास कौन सा ऐसा खजाना छिपा हुआ जो मेरे को देती रहेगी वो? अब मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं। अब दूसरी बात एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
70% इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। अब एक इन्वेस्टर के पास आपको भी पता है, अब यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करने वाले थे लोग, करोड़ों सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं थे, आउट ऑफ कंट्री के भी लोग थे। क्यों आउट ऑफ कंट्री के लोग थे? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरे फूफा जी या मेरे चाचा जी रहते हैं कनाडा में। अब कनाडा वाले के पास तो कनाडा वाली रकम होगी ना, वो हमारी तरह दिखेंगे या सड़क साफ तो नहीं होंगे ना। आके 1,00,000 रुपए लेके घूम रहे, उसी में वो सोच रहे कि हम लोग किंग है, ठीक है। उनके पास उनके अकॉर्डिंग पैसा होगा, उनके लिए हमारे लिए 1 करोड़ रुपए लगाना बहुत बड़ी बात है। उनके लिए 1 करोड़ रुपए लगाना जैसे हम लोग 1,00,000 रुपए लगाते ना, वैसे उनके लिए 1 करोड़ रुपए लगाना, ठीक है। अब जिस बंदे ने 1 करोड़ रुपए लगाया उसको पता है कि उसका 1 का 2 करोड़ होने वाला है, और जिसको पता है कि मेरा 2 करोड़ होने वाला है, जिसकी पहली रकम आएगी, दूसरी रकम आएगी और तीसरी रकम आएगी, उसका 1 करोड़ रुपए पूरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है वो सिर्फ 1 करोड़ में टिक जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो जाहिर सी बात आपको पता है कि वहाँ के लोग, अगर मैंने 1,00,000 रुपए लगाना, मेरा 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे या तीसरे मंथ में पूरा हो गया, तो आपको क्या लगता है मैं कितने लगाऊंगा? 10 लाख तो लगाऊंगा ना कम से कम। हाँ। तो 1 करोड़ वाला क्या करेगा? 10 करोड़ तो लगाएगा ना। एकदम एकदम। तो इन्वेस्टर लोगों ने कमर तोड़ के रख दी राधेश्याम की। अच्छा। तो जो नेटवर्कर थे वो बेचारे कितने रह गए थे? 20% तो नेटवर्कर रह गए थे जो भाग दौड़ के लोगों से उठा उठा के मेहनत करके मीटिंग करके सेमिनार करके, कितने मीटिंग करता, कितने सेमिनार करता। अच्छा छोड़ दो बात इस बात को, आपकी बात करता हूँ मेघा जी, आपके पास फोन है, एंड्रॉइड सिस्टम है, व्हाट्सएप है। हाँ। मैं आपको बोलता हूँ, आपको एक ही दिन के अंदर, आज के दिन के अंदर पूरे सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ 8 या 10 घंटे के अंदर 1,000 लोगों ने SMS कर दिया। हाय का मैसेज किया उन्होंने आपको। हाँ हाँ हाँ। आप 1,000 में से कितने लोगों का रिप्लाई कर पाओगे? अब मैं राधेश्याम की जगह होती तो मैं खोलती ही नहीं। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मान लो आप मेघा जी हो, बड़े ही चंचल हो, बड़े प्यारे हो और लोगों को हक दिलाना चाहते हो, आप कितने लोगों को रिप्लाई करता थे? मैं मेरी कोशिश के हिसाब से मैं कर पाती 50, 60, 100, ज्यादा से 100, 200, मैक्सिमम 500। हाँ जी। अब आपने कोशिश किया? नहीं। आपने ये सोचा कि खाली मैं कोशिश के हिसाब से मैं 500-700 लोगों को कर पाती? हाँ। लेकिन आप मतलब प्रैक्टिकली अगर बैठ जाते ना रिप्लाई करने के लिए, हाँ हाँ, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 या 400 लोगों का रिप्लाई कर पाते? क्यों मालूम है? हाँ। क्योंकि उसमें आपको कॉल भी आती, लोगों को बहुत भी जवाब देनी पड़ती, क्योंकि सारा दिन तो आप व्हाट्सएप चला नहीं सकते ना। हाँ। आप सोचो खाली मैसेज का हाई का रिप्लाई हाई में देने के लिए आपको इतना इतने से लोगों का रिप्लाई कर पाए, और वहाँ पे सिर्फ 1,000 लोग नहीं थे बाबा, वहाँ पे 2,000 पीपल थे। नंबर एक बात, और नंबर दूसरी बात, इन सबके सिस्टम को हैंडल करना, उनको पैसा रिटर्न करना, ये वो रिटर्न बटन, और वहाँ पे इतना बड़ा लोचा, मैंने आपको जो बताया कि जो 1 करोड़ लगाने वाला था वो 10 करोड़ लगा रहा है, 10 करोड़ लगाने वाला कम से कम 50-50 करोड़ लगा रहा है। यहाँ पे आपको पता है फिरौती वाला सिस्टम हो गया था। अच्छा, तो क्या फ्यूचर मेकर आपको क्या लगता है फ्यूचर मेकर ऐसे कंपनी की एक तो थी ना लेडी, क्या नाम थी उसकी, मतलब उसके क्या नाम था, लीजा, वो फिलहाल कहाँ है? कनाडा। अच्छा। तो वो पूरी फैमिली कनाडा में शिफ्ट होगी ना। अच्छा, इसी सब पूछते है लीसा कहाँ गई। लीसा कनाडा गई भाई, देखो कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी। बताओ उनको सब। हाँ, कि कहने लगते हैं वो क्या, आपको क्या लगता था कि वो बेचारी कोई मामूली नहीं थी, सारा दिन इतनी मेहनत करती थी, अभी तो मेहनत का फल नहीं लगा था उसने। हाय हाय हाय, ऐसा मौका हर किसी को मिले, मैं अपनी बात नहीं करूँ। हाँ, तो एक्चुअल में ये होता है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो सिस्टम ही कुछ ऐसा रहता है। चलो, आज क्या बोलते हैं उसको, गलत फहमी दूर हो गई कि फ्यूचर मेकर का मतलब, और 1% भी चांस जो था वो खत्म हो गया, राइट।
आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता लगता है धरती पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये आप बोल रहे हैं, गोगली बंदी हो गई, कभी बोलते हैं स्टॉप हो गया, कभी बोलते हैं कुछ हो गया। अरे नहीं बाबा वो चीज की नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि